स्टूडेंट नाउ वी आर स्टार्ट अकाउंटेंसी। आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है सिंपल वे और एक होता है इसका प्रोडक्ट वे। ठीक है, और ये हम कब करते हैं, देखो अभी तक हम जो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर रहे थे वो बहुत सिंपल था। उसमें आपको कुछ भी मेंशन नहीं था कि आपने उस ड्राइंग को कब विड्रॉ किया, मतलब जो अमाउंट आपने विड्रॉ किया वो कब किया, उसकी कोई डेट मेंशन नहीं थी। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, मतलब तभी तो हम ये कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वैसे तो आपको पता ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या थी। देखो इसमें क्या करते हैं कि जब एक पार्टनर जो है वो अलग अलग मंथ में अलग अलग अमाउंट की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स विड्रॉ करता है, तब ये मेथड यूज़ होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जब अलग अलग महीनों में अलग अलग अमाउंट विड्रॉ होगी। ठीक है, ओके, इसके दो मेथड आपके, फर्स्ट है सिंपल वे और दूसरा है इसका प्रोडक्ट वे। हम पहले सिंपल वे की बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा जब आपको सिंपल मेथड यूज़ करना है। कुछ नहीं करना, जितने आपके पास जो ड्राइंग है वो लीजिए इंटू जो आपको रेट दी हुई है वो इंटू जो मंथ्स है। ठीक है, जितने मंथ यूज़ हुई है डिवाइड बाय 12, क्योंकि टोटल मंथ कितने होते हैं 12, उसमें से कितने मंथ यूज़ हुई है वो ऊपर। ओके, फिर है आपका जो प्रोडक्ट मेथड है, पहले इनके फॉर्मूले देख लेते हैं फिर इनके एग्जांपल भी करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। कि टोटल प्रोडक्ट देखो आप कितना हुआ है इनटू रेट जो है इनटू 1/12। ऐसा क्यों हुआ ये हम अभी करेंगे। देखो पहले सिंपल मेथड की बात करते हैं। ठीक है, जैसे इसने दिया कि कोई भी पार्टनर है, लेट अज्यूम कि ए है, उसने क्या किया, फर्स्ट मे को 20,000 विड्रॉ किए, नवंबर 30 को इसने 10,000, फिर मार्च को 20,000, इसने अलग अलग विड्रॉ करा है। ठीक है, एक अमाउंट तो नहीं है कि कितने एक बार में ही, तो उसने लमसम तो नहीं निकाला, तो इस तब भी हम ये मेथड यूज़ करते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट देखो, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि चाहे सिंपल मेथड है चाहे प्रोडक्ट मेथड है, एक क्वेश्चन को अगर आप दोनों तरीके से करके देखोगे तो आंसर हमेशा बिल्कुल सेम आता है। ठीक है, ओके, फिर इसका देखो निकाला जाता है पीरियड यूज़, मतलब ये जो ड्राइंग है वो बिज़नेस में कितने बिज़नेस से निकालने के बाद उसने कितना टाइम यूज़ किया है। ठीक है, कितना टाइम यूज़ किया है, कितने पीरियड उसने रखा उसको। जैसे उसने फर्स्ट मे को निकाल लिया, 31 को एंड होता है उसका। ठीक है, बिज़नेस का एंड होता है 31 मार्च को, लेकिन उसने 11 मंथ्स यूज़ किया। देखो 31 से आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करो, अप्रैल मई, एक अप्रैल उसने छोड़ा है, फिर मई से तो उसने निकाल ही ली ड्राइंग, तो उस ड्राइंग को उसने कितने मंथ यूज़ किया है, 11 मंथ। स्टार्ट हमेशा तब करना जब उसने निकाली है। ठीक है, तभी से तो वो यूज़ करना स्टार्ट करेगा। फर्स्ट मई को उसने निकाली, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हो गया 11 मंथ्स उसने यूज़ की। फिर उसका इंटरेस्ट निकालेंगे, रेट अभी 10% लिए मैंने, तो उसका 10% से जब आपने निकाला तो इतना आता है। जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हो वही है, ऐसे ही नवंबर 30 को अगर उसने निकाली है तो कितने मंथ यूज़ करेगा, नवंबर तो ख़त्म हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स ऐसे इसका निकालिए 4 मंथ्स का। और जो मार्च में अगर निकालेगा, मार्च का 31 ले लिया जैसे हमने, ठीक है, तब वो कितने मंथ यूज़ होगी, एक भी मंथ यूज़ नहीं हुई, 0 मंथ, तो उसका 0। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग आएगी वो ये आएगी। ठीक है, अब सेकंड मेथड देखते हैं हमारा कौन सा है, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है आपको कि ये देखो जितनी ड्राइंग है वो हमने लिख ली कि कब कौन कौन सी डेट को निकाली थी, फिर पीरियड कितना यूज़ हुआ वो निकाल लिया, फिर उनका प्रोडक्ट। अब ये चीज़ समझने वाली है कि प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। तो प्रोडक्ट में आपको कुछ नहीं करना, जितनी ड्राइंग है जितने मंथ यूज़ हुई है हमने वो लेनी है। हमने मान लिया कि ये जो 20,000 थी वो 11 मंथ यूज़ हुई है, तो इसका मतलब हर महीने हम 2,000 मान के चल रहे हैं, तो टोटल इतनी उसने ले ली। ठीक है, हर महीने का ले रहे हैं, इसीलिए तो इसके फॉर्मूले में 1/12 आता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि वो 10,000 निकाली उसने जुलाई को 31 को, कितने महीने यूज़ हुई, 8 महीने। फिर हम देखेंगे कि हर महीने अगर इतनी इतनी निकालता तो टोटल इतना प्रोडक्ट बनता इसका। ठीक है, तो इसीलिए हम इसकी एक महीने के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, हर महीने से बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे 1/12 लिया जाता है। तो
ऐसे इनका प्रोडक्ट जब करोगे तो इतना प्रोडक्ट आ गया, ये टोटल प्रोडक्ट, इनको प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद जो आया, ठीक है, ये तो हमने किया था ना स्टार्टिंग में फॉर्मूला कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12, ठीक है, ये आ गया। और प्रोडक्ट हमने कर लिया था, कैसे करना है, जितने ड्रॉइंग हो इंटू जितने पीरियड यूज़ हुआ है। ओके, अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है, थैंक यू।